नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में मिले कोरोना के 15 से ज्यादा मामले। बहाली में सरकार की उदासीनता का शिकार बनी महिलाएं। विधानसभा अध्यक्ष ने की सभी समितियों के कार्यों की समीक्षा। बिहार में मखाना और लीची के फूड पार्कों का बनेगा नेटवर्क। बिहार में स्कूलों का जारी हुआ कैलेंडर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में मिले कोरोना के 15 से ज्यादा मामले। अन्य राज्यों में ओमिक्रॉन के बढ़ रहे मामलों के बीच बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 17 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 86 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 11, रोहतास में 2, समस्तीपुर में 2, वैशाली में 1, वहीं अन्य राज्यों में सीआई सैंपल में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में 1 भी मरीज इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,75,673 सैंपल की जांच की गई, वहीं कुल मिलाकर 8 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार में मखाना और लीची के फूड पार्कों का बनेगा नेटवर्क। भारत सरकार जल्द ही बिहार में भी मिनी फूड पार्क का नेटवर्क स्थापित करने की तैयारी में जुट गई है। इसको लेकर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने सघन सर्वेक्षण के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत ही मखाना, लीची और केले पर आधारित उत्पादों के मिनी फूड पार्क का नेटवर्क बनाया जाना है। इसके अलावा आलू और मक्का से आधुनिक तकनीक के जरिए नए नए खाद्य उत्पाद तैयार करने वाले उद्योग की श्रृंखला की संभावना भी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय तलाशने जा रहा है। इसके साथ ही बिहार में पैदा होने वाले खाद्य उत्पादों को बिहार के अंदर ही लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन नेटवर्क, मसलन कोल्ड स्टोरेज, फ्रोजन सेंटर या फ्रीज वैन का नेटवर्क स्थापित करने का काम भी भारत सरकार करने वाली है। ललित भवन के बगल में स्थित एक सरकारी भवन को इसके लिए चिन्हित किया गया है। 3 जनवरी को इस कार्यालय का उद्घाटन होगा। बिहार में स्कूलों का जारी हुआ कैलेंडर। माध्यमिक शिक्षा कार्यालय की तरफ से निदेशक मनोज कुमार ने बिहार के राजकीय, राज्यीकृत और प्रोजेक्ट उच्च तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों का अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके तहत इन सभी विद्यालयों में साल 2022 में कुल मिलाकर 60 दिन अवकाश रहेंगे। खास बात यह है कि अब तक इस कैलेंडर में राजकीय विद्यालयों को भी समाहित किया गया था और 5 रविवार को छोड़कर जो 60 दिन अवकाश के घोषित हुए हैं उनमें से 3 दिन निरीक्षण अवकाश के भी शामिल है। इसके अलावा बड़ी छुट्टियों में होली 17-18 मार्च पर, ग्रीष्मावकाश के 23 दिन यानी कि 23 मई से 14 जून तक 6 दिन दुर्गा पूजा, 1 से 6 अक्टूबर दिवाली पर 2 दिन, 24-25 अक्टूबर छठ पूजा पर 4 दिन, 28 से 31 अक्टूबर की छुट्टी शामिल है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा 28 जनवरी से। बिहार पुलिस में सिपाही के 8,415 पदों की बहाली के लिए 28 जनवरी से शारीरिक दक्षता परीक्षा होने वाली है। इसको लेकर केंद्रीय चयन पर्षद ने बीते दिन ही शारीरिक दक्षता परीक्षा की घोषणा कर दी है, जिसके बाद से ही ई प्रवेश पत्र को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे, जिसके बाद ही विभाग ने यह जानकारी दी है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए ई प्रवेश पत्र 5 जनवरी से परिषद की वेबसाइट के बिहार पुलिस टैब पर उपलब्ध रहेगा। समय और स्थान की जानकारी प्रवेश पत्र में दर्ज रहेगी। अगर ई प्रवेश पत्र डाउनलोड में परेशानी होती है तो परिषद के होर्डिंग रोड कार्यालय में डुप्लीकेट प्रवेश पत्र 24 और 25 जनवरी को प्राप्त किया जा सकता है। बिहार वासियों को मिली ठंड से थोड़ी राहत। कपकपाने वाली ठंड के बीच बिहार वासियों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि बीते दिन से न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे बिहार वासियों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद भी आगे भी जताई जा रही है। मौसम जानकारों की माने तो सूबे में उच्च दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, साथ ही उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रसार भी जारी है। इस वजह से अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम पारे में वृद्धि के आसार है। सूबे में 1-2 जगहों पर मध्यम कोहरे का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 24 घंटे में तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक सतह से 0.9 किलोमीटर ऊपर उत्तर और उत्तरी पश्चिमी हवा का प्रवाह बने होने के साथ उच्च दबाव का क्षेत्र बना है। हालांकि अब भी पटना और गया सहित कुछ शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की वजह से सुबह और शाम में ठंड अधिक महसूस हो रही है। राज्य के सैकड़ों चौकीदारों ने अनिश्चितकाल के लिए धरने का किया आह्वान। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाए जाने को लेकर बिहार सरकार ने अब थानाध्यक्षों को संलिप्त पाए जाने पर निलंबित करने की बात कही थी, जिसके बाद से ही बिहार के सभी जिलों का पुलिस महकमा चौकन्ना होकर काम कर रहा है। इसी बीच बिहार पुलिस के चौकीदारों ने बीते दिन से नए जंग की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत राज्य में 100 से अधिक चौकीदारों ने अनिश्चितकाल के लिए काम स्थगित कर दिया है। वो पटना में धरना पर बैठ गए हैं। चौकीदारों का बिहार पुलिस पर आरोप है कि वो अपने अपने क्षेत्र में शराब माफिया
माफियाओं की गतिविधियों की गुप्त सूचना पुलिस को दे रहे हैं, लेकिन पुलिस शराब माफियाओं को जानकारी लीक कर रही है और उनसे उन पर हमले हो रहे हैं। पटना एयरपोर्ट का नया विंटर स्केड्यूल हुआ जारी। ठंड का असर आम जनजीवन के साथ साथ विमानों पर भी अब पड़ने लगा है, जिसके तहत ही पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट परिचालन का नया विंटर स्केड्यूल जारी हो गया है, जिसमें से 3 जोड़ी फ्लाइटें घट गई हैं। अब 15 जनवरी तक सिर्फ 45 जोड़ी फ्लाइट चलेंगी। हर दिन चलने वाली फ्लाइटें 43 जोड़ी फ्लाइट सप्ताह में कुछ दिन ही चलने वाली होंगी। नए स्केड्यूल में सबसे ज्यादा 19 जोड़ी फ्लाइट इंडिगो एयरलाइंस की रहेगी और गो एयर की 9, स्पाइसजेट की 10, एयर इंडिया की 4 और विस्तारा की 1 जोड़ी फ्लाइटों को रखा गया है। नए स्केड्यूल के मुताबिक सुबह 9 से रात के 9:05 तक यहां से विमानों का परिचालन होगा। 1 से 16 नवंबर के बीच 65 जोड़ी विमानों के परिचालन की घोषणा की गई थी। 1 दिसंबर को जारी सूची के अनुसार 48 जोड़ी विमानों का परिचालन हो रहा था। बहाली में सरकार की उदासीनता का शिकार बनी महिलाएं। बिहार में बेरोजगारी क्यों चरम पर है, इस बात का सवाल अगर आप पूछेंगे और इसका जवाब ढूंढने निकलेंगे तो शायद आपको एक मिनट के लिए कुछ समझ ना आए, क्योंकि बिहार के सरकारी विभागों में पद तो खाली है लेकिन 10-12 साल से बहाली ही नहीं हुई है, जिसका सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं ही हुई है। इसी का प्रमाण बीते दिन होमगार्ड की बहाली के तहत महिलाओं की दौड़ में देखने को मिला। लगभग 300 से अधिक आवेदकों में 162 महिलाएं आरएम के मैदान में दौड़ में शामिल हुई। आवेदन जमा करने से दौड़ शुरू होने की 10 साल की लंबी प्रक्रिया के दौरान कई महिलाएं 2 से 3 बच्चों की मां तक बन गई हैं। जब बहाली निकली थी तो महिला आवेदकों की उम्र 20 से 21 साल की थी। उस समय कई लड़कियां अविवाहित थी। अब जब बहाली शुरू हुई तो कईयों की फिटनेस पहले जैसी ही नहीं रही थी। इस दिन मुजफ्फरपुर में 4 जिलों में शराबबंदी की समीक्षा करेंगे सीएम। सीएम नीतीश कुमार इन दिनों बिहार में समाज सुधार अभियान पर है, जिसके तहत वो अलग अलग जिलों में अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इसी कड़ी में 29 दिसंबर को सीएम नीतीश मुजफ्फरपुर में 4 जिलों में शराबबंदी की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 29 दिसंबर को कलेक्ट्रेट सभागार में 4 जिलों की समीक्षा करेंगे। इन जिलों में तिरहुत के मुजफ्फरपुर के अलावा सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली है। मुख्य सचिव ने इन जिलों को उन मामलों की रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है जिनकी समीक्षा सीएम के एजेंडे में शामिल है। सीएम की यात्रा में सबसे अधिक जोर शराबबंदी को लेकर है। उनके आगमन पर शराबबंदी को लेकर जिलों में हुई कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने की सभी समितियों के कार्यों की समीक्षा। सदन की बैठक एक निश्चित अंतराल पर किए जाने के प्रावधान के तहत ही बीते दिन विधानसभा अध्यक्ष ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। चूंकि अभी सदन की बैठक नहीं होनी है, ऐसे में बिहार विधानसभा अपनी समितियों के माध्यम से काम कर रही है। इसी कड़ी में बीते दिन बुलाई गई बैठक में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा की सभी समितियों की क्रियाकलाप की विस्तृत समीक्षा की और इसके साथ ही इनसे जुड़ी सभा सचिवालय के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में सभी समितियों की समीक्षा के साथ ही कहा कि बिहार विधानसभा की सभी समितियों के गठन का उद्देश्य और इसका कार्यक्षेत्र स्पष्ट है, लिहाजा इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभा सचिवालय के पदाधिकारी तय दिशा निर्देश के अनुरूप अपने अनुभवों के साथ सकारात्मक दिशा में काम करें, इसे और भी क्रियाशील बनाएं। बिहार में अभी पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ है, सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में इन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। पत्नी राजश्री संग दिल्ली रवाना हुए तेजस्वी, क्रिसमस के बाद लौटेंगे बिहार। शादी के बाद कुछ ही दिनों पहले वो बिहार धर्मपत्नी राजश्री के साथ आए थे और एक बार फिर से वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। कारण है क्रिसमस, क्योंकि उनकी पत्नी खुद भी एक क्रिश्चियन है। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी अब क्रिसमस के बाद ही बिहार आने वाले हैं। वहीं एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कहा है कि वो 2-3 दिनों के बाद ही अब बिहार लौटने वाले हैं। राबड़ी आवास पर पहले ही तेजस्वी यादव से मिलने वाले लोग पटना में राजश्री को क्रिसमस की शुभकामनाएं दे चुके हैं। हालांकि इन सबके बीच समर्थकों को इस बार काफी उम्मीद थी कि नए साल पर उनके नेता पटना में रहेंगे और क्रिसमस पति पत्नी दोनों साथ मनाएंगे, लेकिन तेजस्वी और राजश्री आज सुबह पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। विवादित बयानों के बावजूद एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे मांझी। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, एक ऐसा शख्स जो अगर कोई बयान दे दे तो कोई विवाद भी उत्पन्न हो सकता है और कोई जारी विवाद शांत भी हो सकता है, यानी कि इनके मुंह से निकला एक एक शब्द मीडिया में चर्चा का पात्र जरूर बन जाएगा। ऐसे में मांझी ने हाल ही में ब्राह्मणों को लेकर जिस तरीके से अपशब्द का इस्तेमाल किया, तब से ही बिहार की राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। इतना ही नहीं, कई लोगों में तो मांझी के एनडीए से अलग होने की बात भी कही जा रही थी। इन सबके बीच अब मांझी ने एनडीए को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है, जिसके तहत बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कहा कि असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो एनडीए के बड़े नेता समझे, जब बात हमारी होगी तो उनको हम अपनी बात बताएंगे। एनडीए छोड़ने का सवाल ही नहीं है, हम तो बहुत पहले ही कह दिए हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं और साथ रहेंगे। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने फिर दोहराया कि उन्होंने सभी पंडित या पुजारी के लिए अपशब्द नहीं कहा था, बल्कि वैसे लोगों को कहा था जो मांस और मदिरा का सेवन कर पूजा कराने आते हैं। नहीं मिल सकता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जदयू इसकी मांग ना करे।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग बिहार सरकार लगातार उठा रही है। आलम कुछ यूं है कि बिहार सरकार के कई नेताओं ने तो आंदोलन पर जाने तक की बात कह दी है। इन सबके बीच अब भाजपा सांसद ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर अपना रुख स्पष्ट किया है, जिसके तहत ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने जदयू को दो टूक कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। ये प्रावधान यूपीए सरकार के शासनकाल में ही खत्म हो गई थी। किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा अब नहीं दिया जा सकता, इसलिए जदयू बार बार केंद्र से इसकी मांग ना करे। मोदी सरकार बिहार की हर संभव मदद कर रही है। केंद्र और बिहार दोनों जगह एनडीए की सरकार होने के कारण बिहार का लाभ हो रहा है। ललन सिंह ने लगाए गुहार, मुझे भी पहचानो। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना सुनते ही आपके जुबान पर भी फट से ललन सिंह का नाम जरूर आ जाएगा। अगर कोई ललन सिंह को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं भी जानता हो तो एक बार इनकी तस्वीर देखकर जरूर पहचान लेगा। लेकिन ललन सिंह को अब उनकी पहचान बताने की नौबत आ गई है, क्योंकि ट्विटर ने उनके कई बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद ब्लू टिक देने से इनकार कर दिया है, जिसको लेकर ललन सिंह ने अपना बयान जारी किया है। साथ ही और ट्वीट भी किया है, प्रिय ट्विटर वेरीफाइड, मैंने 3 बार आवेदन किया लेकिन बिना कोई कारण बताए इनकार कर दिया गया। कृपया गौर करें, आपकी हर शर्त पूरी होती है, इसलिए यह जरूरी काम करें। ललन सिंह का कहना है कि कई बार ब्लू टिक नहीं होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि ललन सिंह के नाम से जो ट्वीट किया गया वो सही है या गलत। विराट कोहली और सौरव गांगुली विवाद पर शाहिद अफरीदी ने किया रिएक्ट। वनडे में विराट कोहली से कप्तानी छीनने के बाद इस पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया भर के क्रिकेटर इस विवाद को अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। वनडे टीम के लिए विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को नया कप्तान बनाने के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली के बयान के बाद कोहली के बयान पर घमासान मचा हुआ है। गांगुली ने कहा था कि बीसीसीआई ने कोहली से कप्तानी नहीं छोड़ने को कहा था, जबकि कोहली ने दक्षिण अफ्रीका रवाना होने से पहले कहा था कि बोर्ड उनसे ऐसा कुछ नहीं कहने आया था। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने मामले पर बयान दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि खिलाड़ियों और बोर्ड के बीच पारदर्शिता होनी चाहिए, इस मामले को और बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मनीष मोहरा, अविनाश ब्लो, ललन पासवान, गोनर शर्मा, नुनू कुमार, राजा कुमार, पीयूष गेमिंग, मृत्युंजय कुमार, दीपक कुमार, चंदन कुमार, धीरज कुमार, अमित सिंह, नरेश सिंह बिंदु, रोशन कुमार, अरविंद कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में हो रही बहालियों में बिहार सरकार के काम से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।